अमर रहे। शहीद खेमचंद गौड़ी राष्ट्रीय विशाल घाट के वार्षिकोत्सव एवं छात्र संघ सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आती हैं। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार में मंत्री रहे और जिनको आपने लगातार दूसरी बार मैं उनके साथ चुनाव के समय भी आप सबके बीच में आया था और आप सब लोगों ने उनको आशीर्वाद देकर संसद का सदस्य बनाया, भारत की संसद में भेजा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना वोट दिया, अपना समर्थन दिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और आप सबकी अत्यंत ही प्रिय और लगातार आप सबके लिए काम करने वाली, लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक अनेक प्रयास उनके माध्यम से किए जाते हैं। अभी बहुत लंबा उन्होंने एक इस क्षेत्र के होने वाले आगे कामों के बारे में आप सबके सामने विचार रखे। आदरणीय सरिता आर्य जी, उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के दायित्व में आदरणीय गणेश आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला भाई प्रताप गुप्त जी, अध्यक्ष नंदी खुल्ले जी, प्रताप जी महाविद्यालय के आदरणीय प्रचारी जी, छात्र संघ की अध्यक्ष रहमारी लक्ष्मी भंडारी जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष भाई तारा सिंह भंडारी जी, छात्र संघ सचिव विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कार्यक्रम संचालक श्री भुवन कल्याण जी और भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिनके नाम ये विद्यालय ये महाविद्यालय संचालित हो रहा है और सब नेताओं को भी अपने आप को इस महाविद्यालय के आज इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे भी सपूत के माता पिता जिनको हम सबके हाथों मेरे हाथों भी सम्मान करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, शहीद खेमचंद गौड़ी के माता पिता जी जो मंत्री हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और कार्यक्रम में पधारे दूर दूर से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित माँ बहने मेरे सभी नौजवान साथी युवा कॉलेज के सभी विद्यार्थीगण सभी हमारे छात्र छात्राएं प्रस्तुतिकरण देने वाले हमारे प्यारे नन्हे मुन्के अभी राकेश सोनवाल ने बहुत अच्छा गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनकी पूरी टीम और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे अनेक यहाँ पर संस्थाओं के अभिनव पहले से भी लोग आए हुए हैं, हमारे अध्यापक प्राध्यापकगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र पत्रकार मित्रों पत्रकार बंधु, मैं आप सभी का आज इस महाविद्यालय इस मॉडल में इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। प्रदेश में मैं माताओं बहनों को देख रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि शायद आप लोग कई कुर्सी यहाँ बैठे हुए हैं और कई घंटों से बैठने के बाद भी सबसे मत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके घरों से ही प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका आज इस वार्षिक उत्सव में अपनी ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सबके द्वारा जो मेरा भी सम्मान किया, अपने एरिया भर्ती का सम्मान किया और आप सबसे मिले सरकार सम्मान से और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुतियां हुई है सब में हम सबको भाग लिया
मुझे यहाँ के संघ के पदाधिकारियों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि जब पंचायत सविता दीदी करवा रही थी, हमारे प्रचार भी करवा रहे थे, तो कह रहे थे कि पांच लोगों के पैनल में चार हमारी बेटियां हैं। तो भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़कर नेतृत्व में देखना वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। भाई बहनों, यह महाविद्यालय उत्तराखंड के वीर सपूत अमर बलिदानी खेमचंद जी के नाम पर स्थापित किया गया है। महज 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती, देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले खेमचंद जी का जीवन सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और उनका स्मरण इस विद्यालय का, महाविद्यालय का जब भी नाम आएगा उनका स्मरण होगा। और आने वाले जो हमारे निहाल हैं, हमारे कर्मधार हैं, वो हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात खेमचंद जी ने 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और उपरांत उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर शहीद खेमचंद दौड़वीर को सत नमन करता हूँ। उनके द्वारा, उनके नाम से इस महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों को बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में ये महाविद्यालय बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मेरा युवा साथियों से संस्कार और चाहता हूँ, शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के जो बहुत ही अनमोल और अमूल्य कीमती उपहार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा, उसके जीवन में कहाँ जाएगा, जीवन में वो क्या कर पाएगा, उन्हें ही बनाने की ताकत रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो परिवार भी हमारा आगे बढ़ता है और समाज को दिशा देने का काम करता है, विकास को आगे बढ़ाता है। जब मैं महाविद्यालय या विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ, तो एक बात और मैं जरूर कहता हूँ कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारा शारीरिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, संस्कारों के रूप में भी हमारा विकास होना चाहिए। और सच में पहला संस्कार देने का काम अगर कोई करता है तो माता पिता करते हैं, और इसमें माता पिता की भी बड़ी भूमिका होती है, जहां हमारे शिक्षक गणों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पहला संस्कार देने के बाद दूसरा संस्कार देने का काम हमारे विद्यालय के, महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षक गण है वो करते हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति की जो असली डिग्री है वो उसके संस्कार हैं, जो उसके व्यवहार में झलकते हैं, जो उसके सामान्य दैनिक कार्यों में झलकते हैं। जब वो हमसे मिलता है, अपने से बड़ों से मिलता है, किस प्रकार से वो मिल रहा है, किस प्रकार से उनका आदर कर रहा है, गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो हम उनको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, यही संस्कार है जो सच में ये डिग्री से बड़े हैं। मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार आमूलचूल सुधार कर रही है, और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर काम कर रहे हैं। अनेक तरीके से हम नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले कहीं लागू किया गया तो उत्तराखंड में लागू किया गया। आज उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है।